हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। आज की वीडियो में बात करें आईबीपीएस सीएफओ के रिगार्डिंग। तो अभी लास्ट 45 डेज हैं एंड काफी स्टूडेंट के डाउट थे कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। एंड ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने प्रिपरेशन कर ली या फिर कर रहे हैं। सो आप अपने कंटिन्यू रखें। मेनली ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं या फिर किसी वजह से उन्होंने तैयारी शुरू नहीं की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जानने की कोशिश करें तो क्या प्रैक्टिकल है कितने दिन में तैयार करना। फर्स्ट थिंग दैट इज 45 डेज में आप इसको इजीली तो नहीं बोल सकते बट प्रिपेयर कर सकते हो। आंसर इज यस। कैसे प्रिपेयर कर सकते हो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग आपको एक चीज समझनी होगी कि अभी जो 45 डेज है तो इसमें ऐसा भी नहीं कि आपको सारा का सारा टाइम प्री को देना है, सारा का सारा टाइम मेंस को देना है। प्री क्लियर नहीं किया तो मेंस तक नहीं पहुंचोगे। एंड अगर आपने प्री क्लियर कर लिया, मेंस की बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेगी। सो अभी आपको जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन रखना है दैट इज इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। दैट इज 60:40। अगर आप 10 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ते हैं तो 6 आवर आप पढ़ सकते हैं प्री के लिए एंड 4 आवर पढ़ सकते हैं मेंस के लिए। आपकी इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। दिन में आप अपना प्री का प्रैक्टिस करो एंड इवनिंग में हो सकता है वो आपके डिपेंड है, बट आपको इसी तरह प्रिपेयर करने पड़ेगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो कैसे आप सब्जेक्ट को डिवाइड करके इजिली इनको ब्रेक डाउन करके इजिली विदिन हम बोल सकते हैं 30 डेज में भी आप इनको कवर कर सकते हो। फर्स्ट थिंग आपको ये समझना पड़ेगा कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें मैथमेटिक्स की या फिर क्वांट हम बोल सकते हैं, जिसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स ही आपको करने हैं लाइक डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन आप अच्छे से करोगे तो आपके कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस हैं। इसके साथ आप सिंप्लीफिकेशन ऐड करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐड करो या फिर और जो भी टॉपिक है, क्योंकि आई थिंक आप लोगों को टॉपिक पता होगा, तो उसके हिसाब से आप 3 से 4 टॉपिक अपने फिक्स करो क्योंकि आपके पास फिक्स पैटर्न है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उसके हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हो। एंड अपने कोई भी 4 टॉपिक अच्छे से करो, देन नोबडी कैन स्टॉप कि आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर सकते। इसी तरह आपको रीजनिंग में रखना है, लाइक आप कर सकते हो सिलोग सबसे पहले करो, बहुत इजी है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन करो, जैसे नंबर कटने की बहुत रेयर चांसेज है, या फिर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट आप कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये भी आपको करना है। सबसे ज्यादा जो नंबर दिया गया दैट इज पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। एंड इन इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश के लिए बहुत फोबिया है, इसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले एरर्स, कोई भी बेसिक बुक से आप एरर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब उसके जो चैप्टर होते हैं उसके हिसाब से दे सकते हैं। बट अगर स्पेसिफिकली कोई भी अगर यूट्यूब चैनल की बात करें या फिर कोई ऐप की बात करें, सो मैं यहाँ पे एक लास्ट टाइम भी आपको सजेस्ट किया था एंड आप चेकआउट कर सकते हैं बैंकर्स पॉइंट, उनकी ऐप भी है एंड आई थिंक उनकी यूट्यूब पे आपको वीडियोज मिलेंगे एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा, सो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इंग्लिश को आप क्लोज टेस्ट एंड एरर्स, ये दो चीजें अगर आप अच्छे से कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको मैक्सिमम टेम्पटेशन से बचना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 50 के अटेम्प्ट करते हैं उनकी इंग्लिश की कट ऑफ क्लियर नहीं होती, आपको समझना पड़ेगा। एंड इंग्लिश में जितना आप लिमिटेड हो सकते हो उतना लिमिटेड होने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा मैं बात करूं कहां से हम तैयारी कर सकते हैं फॉर बोथ प्री एंड मेंस, सो बहुत सारे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वहां से आप देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करें सो भी अपनी बेसिक बुक्स लाइक अगर हम बात करें एसेंशियल्स ऑफ एग्रीकल्चर मेंस के लिए कर सकते हैं एंड कुछ बुक्स आपकी प्री के रिगार्डिंग भी है, बट ट्री के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो से ज्यादा देखें, वहां से आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी। एंड लाइक इनइक्वालिटीज, अब एक और टॉपिक ऐड कर सकते हैं रीजनिंग में, छोटे छोटे टॉपिक बहुत जल्दी जल्दी आप करो एंड उनको बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज द की एंड आप इसकी कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अब की बार जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन है देखो प्री के लिए है, बिकॉज यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ सीट है एंड पहले के कंपेरिजन में कम है, क्योंकि मेंस में स्टूडेंट जो प्री क्लियर करेंगे उसी का जो रेशियो पहले लेते थे उसी के हिसाब से वो मेंस लिखेंगे, बट यहाँ पे जो कंपटीशन वो थोड़ा सा बढ़ेगा, बिकॉज लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट का इंटरव्यू आउट हुए हैं तो वो भी आपके लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट बोल सकते हैं। बट अगर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो सो नोबडी कैन स्टॉप कि आप प्री क्लियर नहीं कर सकते। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। एंड इसके रिगार्डिंग अगर आप बात करें तो अजय सिंह सर के इनिशिएटिव भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अगर मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है सो डोंट थिंक कि मैं उनकी कुछ मार्केटिंग वगैरह कर रहा हूँ या फिर अप्रिशिएट, बट उनकी जो क्वालिटी कंटेंट है हम बोल सकते हैं एफओ के रिगार्डिंग, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड बैंकर्स पॉइंट फॉर प्री एंड हमारी साइड से, क्योंकि हम आपको एफओ वगैरह के लिए कभी कुछ प्रोवाइड नहीं करवाया, सो अब की बार ट्राई करेंगे कि जो आपकी बुक्स है लाइक एसेंशियल्स ऑफ एग्रीकल्चर नेमराज हुंडा, इनको विद इन अ वीक
कंप्लीट करेंगे, बट ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्री के बाद क्लियर, सॉरी प्री के बाद ही हम शुरू कर सकते हैं, आफ्टर प्री जब आपका रिजल्ट आएगा। सो विद इन 20 डेज होंगे, तो आपके शुरू का 1 वीक में ही बहुत अच्छे से इसका रिविजन कर देंगे एंड उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा एडीयू के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट है अभी क्या चल रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।